और मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ग्रामर का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक आप सबके लिए लेके आई हूँ, जिसका नाम है नाउंस। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ नाउंस होते क्या हैं। द नेम्स ऑफ पर्संस, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस आर कॉल्ड नाउंस। किसी भी व्यक्ति, एनिमल, किसी भी जानवर या किसी भी चीज या किसी भी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, गर्ल, पेन, बुक, सिटी, जैसे दिल्ली, राम, गीता, ये आपके पास सभी एग्जांपल्स हैं नाउन के। आगे हम देखते हैं कि नाउन्स कितनी तरह के होते हैं। बेसिकली नाउन्स चार तरह के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन देखेंगे हम सबसे पहले। कॉमन नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम जो विच आर ऑफ द सेम काइंड। The names names given to persons, things, places which are of the same kind. Common noun ऐसे noun होते हैं जो एक ही श्रेणी के प्राणियों को, एक ही श्रेणी के व्यक्ति, वस्तु, जगहों को या फिर किसी animal को नाम दिया जाता है। जैसे हमने इसके examples देख लेते हैं। Dogs, girls, boys, days, months, ये सभी examples यहाँ पर common noun के हैं। Next आता है हमारे पास proper noun। Proper noun special names होते हैं given to persons, animals, things and places। जब हम किसी एनिमल को या किसी व्यक्ति को हम एक प्रॉपर नाम दे देते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउंस कहते हैं। स्पेशल नाम दिया जाता है जब हम उसको, तो वो प्रॉपर नाउंस में आते हैं। जैसे डॉग्स, हमने यहाँ डॉग्स कहा तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि सभी कुत्ते, ये श्रेणी को शो करता है कुत्तों की। गर्ल्स आ गई, श्रेणी शो हो रहा है, फिर बॉयज की श्रेणी शो हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ गर्ल्स में नाम ले दूँ सीता, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉयज में मैं नाम दे दूं राम, तो ये एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसी तरह से डेज, सभी दिन। लेकिन अगर मैं कहूं संडे, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह से मंथ्स में जून, जून भी एक प्रॉपर नाउन होगा। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ डिफरेंस कॉमन नाउन्स का एंड प्रॉपर नाउन्स। Common nouns, names given to person, things, places which are of the same kind. And proper nouns, special names given to person, animals, things and places. तो जैसे मैंने आपको बताया days, days सभी दिन। लेकिन अगर मैं कहूँ Sunday, तो Sunday एक proper noun होगा और common noun यहाँ पर days जाएगा। इसी तरह से months जो है वो common noun आएगा, लेकिन जब मैं इसको special name दे दूँ, June कह दूँ, कौन सा month, June, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स नेम्स होते हैं गिवन टू कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस, जो एक संघ को शो करता है, एक समूह को शो करता है। ऐसे नाउन्स नेम्स होते हैं कि जो एक संघ को, चाहे श्रेणी वो एक संघ समूह आदमियों का हो, चाहे एनिमल्स का हो या थिंग्स का हो, तो ये ऐसे संघ को शो करता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का गट्ठा। नेक्स्ट इज ए बॉक्स ऑफ क्रियोन्स, कलर्स का डब्बा। तो ये सब यहाँ पे एक कलेक्शन को शो करते हैं, संघ को शो करते हैं, समूह को शो करते हैं। तो ये सब आपके कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स आएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? द नेम्स ऑफ क्वालिटीज एक्शंस विच वी कैन नॉट सी और टच। ऐसी क्वालिटीज या ऐसे एक्शंस जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, वो सभी क्वालिटीज और एक्शंस जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस, इननेस, ऑनेस्टी, ये सभी आपकी क्वालिटीज हैं कुछ, और ये हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत ये सभी आती हैं। इसके अलावा एक और नाउन होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो नाउन्स को मिलाकर एक नया नाउन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पुलिस प्लस मैन, तो पुलिस एक नाउन हुआ, दूसरा नाउन मैन है और इससे बना पुलिसमैन। नेक्स्ट पोस्ट प्लस मैन, पोस्टमैन, एक और एग्जांपल हम देख लेंगे इसका, बस प्लस स्टैंड, बस स्टैंड हो गया। तो इस तरह के जब दो नाउन्स मिलकर एक नया ही नाउन बना देते हैं तो हम इनको कंपाउंड नाउन के अंतर्गत लाते हैं। तो ये थे हमारे नाउन्स। बाकी इसके अलावा कुछ एक नाउन्स होते हैं जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, परंतु ये सभी इन्हीं नाउन्स में से निकलते हैं। तो मेन जो चार ही तरह के नाउन्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कोलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये मैंने एग्जाम्पल्स के आपको साथ समझाए। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।